नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है हमारी 21 जनवरी 2021। कार्यपत्रक है 30। विषय है गणित, कक्षा है 8वीं और हमारा शीर्षक है अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हम घनमूल कैसे निकालें इस पर चर्चा करेंगे। नोट पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो, तो यहाँ क्या होना चाहिए। एक तो बेटा, जब इस विधि का हम कब प्रयोग करेंगे बच्चों, जबकि पूर्ण घन संख्या हो, और दूसरा वो घन संख्या बहुत बड़ी हो जिसका गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना मुश्किल हो। अब कैसे करते हैं बेटा हम इसको, ये विधि क्या है। अनुमान विधि द्वारा घनमूल निकालने के नियम। दी गई संख्या को दो भागों में बांट दिए, जैसे 110,592 हैं, इसको दो भागों में हमने बांट दिया है। ये देखो, पहला चरण, दी गई संख्याओं के समूह बनाएं जिसमें 3 अंक हो। समूह बनाते समय इकाई से शुरू करें। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दें। यह पहला समूह होंगे, बचे हुए संख्या दूसरे ग्रुप। चरण दो, समूह के इकाई स्थान का अंक घनमूल के इकाई के अंक के स्थान के अंक का निर्धारित करेगा। उदाहरण, घन संख्या के स्थाई का अंक 8 है, तो 2 × 2 × 4 तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। चरण तीन, संख्या का घन निकालें जिनके बीच दूसरा समूह आता हो। चरण चार, तीसरे चरण के छोटी संख्या को घनमूल के इकाई के दाई स्थान पर रखें, अब घनमूल निकालें। प्रश्न, अनुमान विधि द्वारा 110,592 का घनमूल निकालें। उत्तर, चरण एक, 3 अंकों का समूह बनाएं। ये बेटा देखो, 3 अंकों का पहले समूह बना लिए ना, 592, एक समूह बाकी है, दूसरा समूह बन गया, दो समूह बन गए। पहला समूह 592, दूसरा समूह 110। चरण दूसरा, पहले समूह के इकाई का अंक 2 है, तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 8 × 8 × 8, 512 होगा। तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा, क्योंकि 8 × 8 × 8 क्या होता है, 512 है ना, 2 आया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 8। तो चरण तीसरा, दूसरा समूह 110 है, जो 110 किसका के बीच में है, 4³ यानी 64, 4 × 4 × 4 कितना होता है, 64, 4 × 4 × 4 बराबर 64, ठीक है। और 5 5 × 5 × 5 × 5 बराबर 125। तो ये 64 इन दोनों के बीच में है, देखो ये सॉरी 110, जो 110 है वो 64 और 125 के बीच में है। तो चरण चार तीसरे चरण में छोटी संख्या 64, अतः संख्या 48 होगी। क्या होगी, 48, 4 लगा देंगे है ना, दाई के स्थान पे हमने क्या लेंगे, 4। प्रश्न, अनुमान विधि द्वारा 17,576 का घनमूल निकालें। उत्तर, चरण एक, 3 अंकों का समूह है, पहला समूह 576 है, दूसरा समूह 17 है, तो चरण पहले में समूह के इकाई के स्थान का अंक 6 है, तो घनमूल के इकाई का स्थान का अंक 6 होगा, जैसे 6 × 6 × 6 बराबर 216। चरण तीन, दूसरा समूह 17 है, जो 2³ बराबर 8, ये 864 गलत लिख रखा बेटा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तीन की घात तीन के बीच, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 के बीच है, तो 2³ बराबर 8 आ गया, और 3³ = 27, तो 17 क्या है, 8 और 27 के बीच, यानी 2³ और 3³,
तो छोटी संख्या हम दो ले लेते हैं, तो ढाई के अंक पे क्या हो गया, दो। तो ये क्या आंसर आया इसका, 26। बेटा अब इसको भी देखो, दी हुई संख्या के घन को दोहराएं। तो एक यहाँ दस, इसमें आपको दस तक के घन याद होने चाहिए, एक एक का घन एक, दो का घन आठ। अब दी हुई संख्या के घनमूल के इकाई अंक का कैसे पता लगाए, तो चार इसमें के ए में देखो 4096 है, तो 6 है, तो 6 इधर कहाँ पर आता है, ये 6 है, तो यहाँ 6 देखो 6, तो 6 के आगे क्या होगा, ये 6 ही आएगा। 9 है तो यहाँ, यहाँ 9 देखो 9, तो इधर इसका घन ये यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, घन के इकाई का अंक में क्या आएगा, 9, घनमूल के दी गई संख्या का घनमूल के इकाई का अंक बताइए। अब ये देखो ऐसी 6 है, वही बात आ गई 6। 5 है तो 5 5 25, ये देखो ये 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा घनमूल के। 6 आ गया, ये 6 का हम देख चुके हैं। 7 का देखो ये आ गया, 3 3 9 9 3 27, 27 है ना, 7 है तो यहाँ के घनमूल में देखो क्या है, 3 आ रहा है। तो ऐसे आपने इससे पता लगा लेना है इस टेबल को देख के। बेटा सबसे पहले आपने सब कुछ ये जितना भी है ये सब लिखना है, जितना भी ये वर्कशीट में लिखा है अंत में जाके आपने ये सवाल करने हैं, ये भी करो और ये भी करो, ये दोनों करने हैं, ठीक है बच्चे। तो कोविड अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है, कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बेटा अगर हम कोरोना से बचाव करने चाहते हैं तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए, कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क हमेशा पहने। ये बात अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों और जानकारों को बताओ कि जब भी आप बाहर निकले मास्क लगा के रहें, खुद भी सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।